हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। सो लेट्स बिगिन। कंगना रनौत काफी टाइम से अपनी मच अवेटेड फिल्म इमरजेंसी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है, जिसकी रिलीज पर विवाद चल रहा है। वहीं हाल ही में CBFC ने फिल्म को सर्टिफिकेट देने से पहले कुछ कट्स लगाने की सलाह दी थी, जिसको कंगना की ओर से अब मान लिया गया है। कंगना रनौत ने इमरजेंसी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने के साथ साथ इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार भी निभाया है। इस फिल्म में कंगना के अलावा कई और स्टार्स नजर आने वाले हैं। अरशद वारसी और मेहर विज की मच अवेटेड फिल्म बंदा सिंह चौधरी का मोशन पोस्टर हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस फिल्म का ट्रेलर आज यानी 1 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया जा रहा है और ये फिल्म 25 अक्टूबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। आपको बता दें कि बंदा सिंह चौधरी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद के दौर की कहानी पर बेस्ड है। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस कृति सेनन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ बेहद ही अट्रैक्टिव तस्वीरें शेयर की है, जिनमें वो एक ग्रे ऑफ शोल्डर थाई हाई स्लिट गाउन में नजर आ रही है। कृति के इस लुक ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है और उनकी किलर पोज ने फैंस को दीवाना बना दिया है। वहीं कृति ने अपने शानदार लुक के साथ ग्लोइंग मेकअप किया है, जो उनकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। मशहूर इन्फ्लुएंसर अदनान शेख शादी के बाद से कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। दरअसल अदनान शेख के खिलाफ उनकी बहन ने FIR दर्ज करवाई है। बता दें कि अदनान की बहन ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। वहीं अदनान की बहन का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी है और अपनी शिकायत के बारे में बता रही है। बिग बॉस सीजन 18 के कंटेस्टेंट्स का खुलासा हो चुका है। जी हां, इस बार BB18 में सुहागन चुड़ैल की फेम एक्ट्रेस निया शर्मा के साथ शोएब इब्राहिम, सुरभि ज्योति, खतरों के खिलाड़ी विनर करणवीर मेहरा, पद्मिनी कोल्हापुरी, गश्मीर महाजनी, नायरा बनर्जी, मुस्कान बामने और एलिश कौशिक समेत कई सितारे नजर आने वाले हैं। वहीं बिग बॉस 18 का प्रीमियर 6 अक्टूबर को कलर्स पर होने वाला है। साउथ सुपरस्टार रामचरण लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में वैक्स स्टैचू के लिए चुने जाने वाले नए भारतीय सितारे बन गए हैं। म्यूजियम ने इस वीकेंड अबुधाबी में आयोजित इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड 2024 के दौरान एक स्पेशल वीडियो के साथ इसकी अनाउंसमेंट की है। सिर्फ यही नहीं, सुपरस्टार के साथ उनके पेट डॉग राइन को भी जगह मिली है। अभिनेता वरुण धवन की बहन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजनी धवन हाल ही में अपनी डेब्यू फिल्म बिन्नी एंड फैमिली में नजर आई थी और अब अंजनी की किस्मत चमक उठी है। जी हां, अंजनी के हाथ बड़े सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म सिकंदर लगी है, जिसके स्टार कास्ट में अंजनी अब शामिल हो चुकी है और जल्द ही वो इसकी शूटिंग भी शुरू कर सकती है। अभिनेता तुषार कपूर का फेसबुक अकाउंट हैक होने की खबर सामने आ रही है। उन्होंने हाल ही में एक बयान जारी कर ये बताया है कि उनके सार्वजनिक और निजी फेसबुक अकाउंट हैक हो गए हैं और उनकी टीम इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए काम कर रही है और यही वजह रही है कि तुषार पिछले कुछ दिनों से फेसबुक पर एक्टिव नहीं थे। जाने माने यूट्यूबर गौरव तनेजा उर्फ फ्लाइंग बीस्ट पिछले कुछ दिनों से अपनी जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गौरव शादी के 8 साल बाद अपनी पत्नी ऋतु राठी से तलाक लेने वाले हैं। वहीं अब ऋतु ने गौरव से अलग होने की खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है और इस वीडियो के जरिए ऋतु ने लोगों से कहा है कि वो उनके रिश्ते के बारे में कुछ भी ना कहे। टीवी एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ बेहद ही हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो ब्लैक एंड व्हाइट मोनोकनी पहने नजर आ रही है। स्विमिंग पूल के किनारे दिए उनके सेक्सी पोजेस ने फैंस के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। वहीं शमा की तस्वीरें देखते ही देखते अब वायरल हो गई है और फैंस उनकी हॉटनेस की तारीफ कर रहे हैं और लगातार उनके इस फोटोज पर कॉमेंट्स भी कर रहे हैं। आज के लिए मायापुरी टॉप 10 में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी के साथ जुड़े रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।